खड़गे साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, वरिष्ठ नेता है इस देश के राजनीति में, और ये मांग खड़गे साहब ने पूरे अपोजिशन के तरफ से की है कि संसद में बम नहीं फूटाए, ठीक है, लेकिन परिस्थिति तो इतनी गंभीर थी ना उस वक्त, ये कैसा हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आगे क्या होगा, इस बारे में हम जानना चाहते हैं, सदन जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। आपने सबके ऊपर एक्शन लिए है ना, आपने पुलिस को निलंबित किया, अपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया है, अपने फलाना फलाना बहुत सी बातें की है, लेकिन जिसकी वजह से ये लोग अंदर घुस गए वो तो आपका सांसद है। अगर ये कोई और किसी पार्टी का होता और किसी धर्म का होता तो आपकी भूमिका अलग होती, अब तक भारत पाकिस्तान शुरू हुआ होता, हिंदू मुसलमान शुरू किया होता। तो ये बात है कि आप आइए सदन में और बताइए देश को क्या स्थिति है, क्या हो गया है, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। और राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा, ये हमने भी कहा था, जो बच्चे अंदर गए थे ठीक है, उनकी दिशा उनका तरीका वो गलत है, लेकिन वो भारत माता की जय, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे लेकर ही अंदर घुस गए थे। अगर कोई हमारी बात सुनती नहीं है तो हमारे बेरोजगार युवा इस अराजकता का ऊपर उतर जाते हैं। जिम्मेदार सरकार है, भगत सिंह ने पार्लियामेंट पर बॉम्ब डालने की कोशिश किया, बॉम्ब डाला था, एक विद्रोह उसके मन में था, हम समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इस देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आपको पूछे कि बेरोजगारी का मुद्दा कम खत्म होगा तो मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे बेरोजगार युवकों को कोई चिंता नहीं, आपको रामलला का दर्शन फ्री में कराएंगे। रामलला का दर्शन बेरोजगारों को फ्री में कराने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है सब नाटक, तो युवाओं के मन में एक विद्रोह की भावना है, और इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।